9 या 10 नवंबर कब है धनतेरस? क्या है धनतेरस पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त? दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं। दिवाली 12 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले धनतेरस को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि हिंदू पंचांग के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि हिंदी की तिथि अंग्रेजी के समय के हिसाब से दिन में ही या फिर रात में भी बदल जाती है। ऐसे में लोगों के मन में इस बात की शंका है कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है, धनतेरस कब मनाया जाना चाहिए, साथ ही इसकी पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब है। चर्चा इस बात की तेज है कि धनतेरस 9 नवंबर को है या फिर 10 नवंबर को। तो चलिए दूर करते हैं इसका कन्फ्यूजन और धनतेरस की तिथि, मुहूर्त और पूजा के साथ खरीदारी के समय को जानते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस की तिथि 10 नवंबर के दोपहर को 12:35 पर शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी 11 नवंबर के दोपहर 1:57 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा होती है। ऐसे में अब सभी कन्फ्यूजन को दूर कर ये पुख्ता कर लें कि धनतेरस शुक्रवार को यानी 10 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं जहां तक धनतेरस में पूजा के शुभ मुहूर्त की बात है, इसका समय 10 नवंबर की शाम 5:47 पर शुरू होगा। वहीं उसी शाम 7:47 पर इस शुभ मुहूर्त का समापन हो जाएगा, यानी कि 10 नवंबर को धनतेरस की पूजा की अवधि 1:56 तक रहने वाला है। इसी दौरान आपके लिए माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा कर यमदीप जलाना भी शुभ होगा। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में धातु की वस्तु खरीदने की परंपरा है, जिसमें लोग अपने बजट के हिसाब से सोने की चीजों से लेकर बर्तन वगैरह की खरीदारी करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक धनतेरस के दिन धातु के सामानों की खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर को 6:40 पर समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से धन में कई गुना की बढ़ोतरी होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म में धनतेरस का काफी महत्व है, क्योंकि इसी कार्तिक के त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए भगवान धन्वंतरी के प्रकाट्योत्सव के रूप में भी धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, साथ ही धातु की वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि धनतेरस के दिन दान पुण्य करने से संपत्ति में 13 गुना तक की बढ़ोतरी होती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।